हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम पांडे स्वागत करता हूं आपका सिविल माइंड्स एकेडमी डीडीयू नगर रायपुर में। मैं यहां आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस, चाल समय दूरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी विगत एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक कार एक निश्चित दूरी 6 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। समान दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए इसको कितना समय लगेगा? ठीक है, तो पहले हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, आप सभी जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, पहला टाइम क्या दिया है, 6 घंटे, और उसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम है 6 आवर, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 480 किलोमीटर। यदि इसी 480 किलोमीटर को मुझे अगर 4 घंटे में तय करना है तो मेरी स्पीड क्या होगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से। अब डिस्टेंस मुझे पता है कि डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर, स्पीड मुझे निकालना है और टाइम क्या है, 4 आवर। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 480 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इसकी स्पीड को कितनी बढ़नी चाहिए, कितना इंक्रीज होना चाहिए स्पीड में। तो पहले स्पीड कितना था, 80 किलोमीटर पर आवर, और अब स्पीड कितना है, 120 किलोमीटर आवर। तो स्पीड में कितना इंक्रीज हुआ, स्पीड में इंक्रीज हुआ 40 किलोमीटर पर आवर का। तो आपका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। यह हुआ इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीका। यदि इसको हमको अगर कम समय में सॉल्व करना है तो इसका एक और तरीका है, यहां देखिए आप। जैसे इसके पहले आप लोग एक चीज समझिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यदि मेरे को इक्वल डिस्टेंस चलना है, यानी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब स्पीड इनटू टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अर्थात स्पीड वन टाइम वन इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम टू। ठीक, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्पीड वन अपॉन स्पीड टू इज इक्वल टू टाइम टू अपॉन टाइम वन। आपको पहला स्पीड दिया हुआ है कितना, 80 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड स्पीड आपको निकालना है, लेकिन सेकेंड टाइम आपको क्या दिया है, 4 आवर, और फर्स्ट टाइम क्या दिया हुआ है, 6 आवर। तो इसको जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे, एस टू इज इक्वल टू 80 इंटू 6 डिवाइड बाई 4, ये आएगा 120, यानी आपकी स्पीड टू कितनी होगी, 120 किलोमीटर पर आवर। तो इंक्रीज इन स्पीड कितना हो गया, पहले 80 था, अब कितना हो गया, 120। तो स्पीड इंक्रीज कितना हुआ, 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलो इसी टाइप का कुछ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करते हैं। समान दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति कितनी बढ़नी चाहिए, इंक्रीज इन स्पीड क्या होना चाहिए। तो वही जो हम लोग के पास फॉर्मूला है, एस वन अपॉन एस टू इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन। फर्स्ट स्पीड कितना दिया है, 60, सेकेंड स्पीड हम लोग को निकालना है, सेकेंड टाइम कितना दिया है, 4 आवर, और फर्स्ट टाइम कितना दिया है, 5 आवर। तो एस टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, इसका वैल्यू कितना आएगा, 75 किलोमीटर पर आवर। यानी पहले स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर, अब स्पीड कितना हो गया, 75 किलोमीटर पर आवर। तो इंक्रीज इन स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, यदि गति में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले इसका स्पीड कितना था, 40 था, 40 किलोमीटर पर आवर, अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड बढ़ गई, तो अब स्पीड कितना हो गया,
60 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाती है तो उसी समय 40 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेती है। यानी पहले जितना दूरी तय कर रहा था उससे अब कितना एक्स्ट्रा दूरी तय करेगा, 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करेगा। तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पे क्या कांस्टेंट है, देखो डिस्टेंस आपका पहले कितना था, जो भी रहा होगा, जैसे एक्स था, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स प्लस 40 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस आपका क्या हो गया, बढ़ गया। स्पीड कितना था पहले, 40 किलोमीटर पर आवर था, अब स्पीड कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड भी बढ़ गया। लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, वो चीज क्या है, टाइम। टाइम आपका पहले भी कांस्टेंट था, मतलब सेम था, और वही टाइम बाद में भी कांस्टेंट है, ठीक। तो हम लोग को क्या पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम मेरा कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक मिनट इसको मैं रब कर रहा हूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या डिस्टेंस वन अपॉन स्पीड वन इज इक्वल टू डिस्टेंस टू अपॉन स्पीड टू, ये कांस्टेंट रहेगा। डिस्टेंस वन कितना है, डिस्टेंस वन नहीं दिया है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि डिस्टेंस वन कितना है, एक्स किलोमीटर है, कितने स्पीड में, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में डिस्टेंस कितना है, एक्स है। डिस्टेंस टू कितना, डिस्टेंस बढ़ गया 40 किलोमीटर, डिस्टेंस बढ़ गया, यानी पहले एक्स था तो अब एक्स प्लस 40 हो गया, और स्पीड टू कितना हो गया, स्पीड पहले 40 किलोमीटर था अब 20 इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया 60। तो जीरो से जीरो कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6x 4x प्लस, और ये हो जाएगा 160। 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 160, एंड x इज इक्वल टू 160 बाई 2, दैट मीन्स 80 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर, क्लियर। सेम क्वेश्चन ये देखिए कि एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, यदि गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो वह उसी समय 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगी। यानी पहले जितना भी दूरी तय कर रहा होगा उससे 30 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो तय की गई अंतिम दूरी क्या है, यहां पे देखिए आपको क्या निकालना है, अंतिम दूरी, फाइनल डिस्टेंस निकालना है, फाइनल डिस्टेंस। फाइनल डिस्टेंस मतलब जब उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सेम टाइम सेम है, यानी डिस्टेंस वन अपॉन स्पीड वन इज इक्वल टू डिस्टेंस टू अपॉन स्पीड टू। डिस्टेंस वन मैं मान लेता हूं, डिस्टेंस वन कितना है, एक्स है, स्पीड कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस टू कितना होता है कि 30 किलोमीटर वृद्धि हो जाता है डिस्टेंस में, यानी अब कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 30, और स्पीड में कितना इंक्रीज होता है, 10 किलोमीटर का, यानी 40 प्लस 10 यानी 50। जीरो से जीरो कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 120, तो x इज इक्वल टू 120। यानी पहले डिस्टेंस कितना था, 120 किलोमीटर, और बाद का डिस्टेंस कितना होगा, 120 प्लस 30 यानी 150 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 150 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि x है मेरा क्या है, 120, और बाद के डिस्टेंस क्या है, x प्लस 30, यानी 120 प्लस 30 इजीली क्या हो जाएगा, 150 किलोमीटर, ठीक। आगे क्वेश्चन में चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, यदि गति में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाती है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, कितना का वृद्धि कर दिया, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाती है, तो वह उसी समय 36 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, कितना किलोमीटर अधिक दूरी करता है, 36 किलोमीटर। तय की गई अंतिम दूरी, यहां पे भी क्या निकालना है, फाइनल डिस्टेंस निकालना है, ठीक। मैं फिर टाइम कांस्टेंट है मेरा, यानी d1 अपॉन s1 इज इक्वल टू d2 अपॉन s2। डिस्टेंस वन कितना है नहीं पता, ले लेते हैं x है डिस्टेंस वन, लेकिन स्पीड वन कितना है, 70 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस टू कितना है, x में कितने का वृद्धि हो गया, 36
किलोमीटर का, यानी x प्लस 36। और स्पीड मेरा कितना बढ़ता है, पहले 70 था अब 35 बढ़ गया, यानी 70 प्लस 35 यानी 105 किलोमीटर पर आवर। 35 से कैंसिल हो जाएगा, देखिए 35 से 2 टाइम्स में जाएगा, 35 से 3 टाइम्स में जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 36 यानी 72, यानी x इज इक्वल टू 72, यानी डिस्टेंस कितना था 72 किलोमीटर। ये क्या था, इनिशियल डिस्टेंस था, फाइनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्लस 36 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर, 108 आपका ऑप्शन में, हाँ ये ऑप्शन ए 108 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 5/7 चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 48 मिनट देर से पहुंचता है, उसी दूरी को सामान्य गति से तय करने का समय ज्ञात कीजिए। यानी मैं अगर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहूं तो पहले उसका स्पीड एस था, इस स्पीड से पहुंचने में, इस स्पीड से यदि डी डिस्टेंस वो ट्रेवल करे तो उसको टी टाइम लगता था, लेकिन यदि अपने स्पीड के कितने 5/7 से चल रहा है, यानी अब किस स्पीड से चल रहा है, वो 5/7 एस से चल रहा है। स्पीड कम हुई कि बढ़ी, स्पीड कम हो गई, 5/7 एस मतलब 1 से एक छोटा नंबर है, यानी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो उसको भाई स्पीड कम होगा तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो वही सेम डिस्टेंस डी को ट्रेवल करने के लिए पहले टी टाइम लग रहा था, अब टी प्लस 48 टाइम लग रहा है, टी प्लस 48 मिनट टाइम लग रहा है, तो क्या निकालना है, तो मेरे को टी का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो पहले एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से देख लेते हैं इसको, कि जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। पहले स्पीड वन, टाइम वन लगता था, वही डिस्टेंस को जब वो दूसरे स्पीड से चलेगा तो उसको दूसरा टाइम लगेगा, ठीक। तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या ये दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर सकता हूं, इसका मतलब इसको रब कर दूं, क्या एस वन टी वन इज इक्वल टू एस टू टी टू कर सकते हैं। पहला स्पीड मेरा क्या था, एस था, तो उसके लिए मेरे को टाइम लग रहा था टी, लेकिन सेकेंड में स्पीड कितना हो गया अपने ओरिजिनल स्पीड का 5/7, यानी अब स्पीड कितनी हो गई 5/7 इंटू एस, लेकिन टाइम मेरे को कितना लग रहा है टी प्लस 48 मिनट। देखिए एस से एस कैंसिल आउट होगा, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 70 इज इक्वल टू 5t प्लस 5 इंटू 48, 70 माइनस 5t 2t, 5 इंटू 48, ठीक। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 48 डिवाइड बाई 2, यानी t इज इक्वल टू 5 इंटू 24, यानी t इज इक्वल टू 120 मिनट। तो 120 मिनट आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये पूरा इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका हुआ, ठीक है। एक इसको कम समय में भी बना सकते हैं हम लोग, जैसे देखते हैं, एक चीज समझिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी यदि डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड टाइम क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब स्पीड और टाइम में रेसिप्रोकल रिलेशन है, यानी एस वन बाई एस टू इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन, स्पीड और टाइम में क्या रहेगा रेसिप्रोकल रिलेशन रहेगा। ये चीज समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान्य गति से 5/7 चलकर, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि स्पीड पहले 7 था, स्पीड पहले कितना था 7 था, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई 5 हो गई। पहले स्पीड 7 था, अब इसकी स्पीड कितनी हो गई 5 हो गई। तो टाइम क्या होगा, स्पीड का रेसिप्रोकल होता है टाइम, स्पीड 7 से 5 हो गई तो आपका टाइम क्या हो जाएगा 5 से 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है
48 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, और यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा यूनिट लग रहा है, 2 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब 2 यूनिट इज इक्वल टू 48 मिनट, यानी एक यूनिट इज इक्वल टू 24 मिनट, एक यूनिट का मतलब कितना हो गया 24 मिनट। अब क्या पूछा है कि सामान्य गति से तय करने का समय क्या होगा, तो जब वो सामान्य गति से तय कर रहा है यानी 7 से तय कर रहा है तो समय कितना लग रहा है 5, और एक यूनिट का मतलब कितना है 24 मिनट, तो 5 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 5 × 24 इज इक्वल टू 120 मिनट। ठीक है, तो आप दोनों तरीके का यूज करके बना सकते हैं, जिसमें आपका कमांड अच्छा रहे उस तरीके का यूज करें। ठीक है, चलो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 5/9 चलकर अपने गंतव्य पर 36 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, स्पीड कम हो गया, पहले स्पीड कितना था 9 था, अब स्पीड कितना हो गया 5 हो गया, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है 36 मिनट देर से पहुंचता है। उसी दूरी को सामान्य गति से तय करने का समय ज्ञात कीजिए, यानी अगर वो 9 से चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा। तो हम लोग जो सेकंड तरीका सीखे उससे बनाते हैं। स्पीड कितना था भाई पहले 9 था, अब स्पीड कितना हो गया 5 हो गया, तो टाइम में क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है स्पीड का रेसिप्रोकल होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा 5 था 9 हो जाएगा टाइम। कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा 4 यूनिट, 5 से 9 कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा 4 यूनिट, और इस 4 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना 36 मिनट, 4 यूनिट इज इक्वल टू 36 मिनट, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 36/4 यानी 9 मिनट होगा। अब पूछा क्या है कि उस दूरी को सामान्य गति से तय करने में कितना समय लगेगा, तो सामान्य गति में लगने वाला समय क्या है 5 यूनिट है, और एक यूनिट का वैल्यू कितना है 9, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी सामान्य गति से चलने के लिए 5, एक यूनिट का वैल्यू 9 है, तो 5 45 मिनट होगा इसका आंसर। यहाँ पे शायद कुछ दूसरा ऑप्शन आ गया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा 45 मिनट होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 9 था, स्पीड कितना हो गया 5 हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा 5 से 9, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 मिनट, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 9 मिनट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 5 यानी 45। इसका आंसर आप लोग चेक कर लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा 45 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल से 5/4 चलकर अपने गंतव्य पर 25 मिनट पहले पहुंच जाता है, जल्दी पहुंच गया, क्यों जल्दी पहुंचा, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई, पहले स्पीड 4 थी, अब कितनी हो गई 5 हो गई, यानी स्पीड पहले उसका कितना था 4 था, अब कितना हो गया 5 हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इसका रेसिप्रोकल, 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना टाइम कम लगा, एक यूनिट टाइम कम लगा, एक यूनिट टाइम कम लगा, और इस एक यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 25 मिनट। और क्वेश्चन क्या पूछा है, उस दूरी को सामान्य गति से तय करने का समय ज्ञात कीजिए, यदि वो सामान्य गति यानी 4 से चलता तो कितना टाइम लगता 5, और एक का वैल्यू कितना है 25, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 125 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने सामान्य गति से 4/3 चलकर अपने गंतव्य पर कितना 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। अभी भी देखो, पहले स्पीड कितना था 3 था, अब कितना हो गया 4 हो गया, स्पीड बढ़ाएंगे टाइम कम लगेगा, कितना टाइम कम लगा 20 मिनट कम लगा, स्पीड क्या था पहले 3 था, अब कितना हो गया 4 हो गया, पहले 3 था अब कितना हो गया 4 हो गया, टाइम क्या हो जाएगा 4 से 3 हो जाएगा, कितना टाइम कम लगा 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या दिया है 20 मिनट, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 मिनट। तो यदि वो अपने सामान्य चाल से चले यानी 3 की स्पीड से चले तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए 4, और 1 का वैल्यू है 20, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे हम लोग रोज, आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चंस करें, कल ऐसे ही टाइप के किसी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग रेगुलर करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।